हेलो फ्रेंड, आई एम क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशंस 2.1 का क्वेश्चन बेस सॉल्व करने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर, वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। अब देखो यहाँ पे एक माइकल नाम का लड़का है जिसने एक पिक्चर को 7/12 आवर में कलर किया, एंड वही एक वैभव नाम का लड़का है जिसने उसी पिक्चर को 3/4 आवर में कलर किया। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, हु वर्कड लॉन्गर, किसने सबसे ज्यादा टाइम लिया उस पिक्चर को कलर करने में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना ज्यादा टाइम लिया। ओके, तो चलो फटाफट से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वर्कड लॉन्गर, किसने सबसे ज्यादा टाइम लिया उस पिक्चर को कलर करने में। ओके, तो माइकल ने 7/12 आवर में उस पिक्चर को कलर किया, एंड वही वैभव ने 3/4 आवर में कलर किया। देखो ये जानने के लिए किसने सबसे ज्यादा टाइम लिया है, इसके लिए हमको इन दोनों का डिनोमिनेटर करना पड़ेगा सेम, जो कि यहाँ पे सेम नहीं है। ओके ना, देखो इसका डिनोमिनेटर है 12 एंड इसका डिनोमिनेटर है 4, तो इन दोनों को करना होगा सेम। तो जब हम 12 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो अपना निकल के आएगा 12। ओके ना, तो अपना एलसीएम कितना निकल के आया 12। तो अब हम इस डिनोमिनेटर को बनाएंगे 12। ओके ना, इन दोनों डिनोमिनेटर को बनाना है हमको 12। ओके, तो पहले जो माइकल का हावर है ये ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 12 है, यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 12 है। देन जो वैभव का हावर है उसका डिनोमिनेटर 12 नहीं है। ओके ना, तो हमको बनाना है इसका डिनोमिनेटर को 12, तो इसके लिए हमको करना होगा मल्टीप्लाई। दैट मीन्स कि हमको देखना है 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि अपना 12 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना 12 आ जाएगा। ओके ना, जब हम नीचे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ओके ना, तो 3 जा हो जाता है अपना 9, तो ये निकल गया 9/12। ओके ना, अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर हो गया है सेम, दैट मीन्स कि माइकल का जो हावर है उसका भी डिनोमिनेटर हो गया 12, एंड जो वैभव का हावर है उसका भी डिनोमिनेटर हो गया 12। ओके ना, तो अब डिनोमिनेटर नहीं देखना हमको, न्यूमरेटर बस देखना है। तो न्यूमरेटर माइकल के हावर का है 7 एंड वही वैभव का हावर का है 9। ओके ना, तो 9 बड़ा है या फिर 7, आई होप कि सब किसी को पता होगा कि कौन सा बड़ा है। तो ऑब्वियसली 9 बड़ा है, इसलिए वैभव ने सबसे ज्यादा टाइम लिया है इस पिक्चर को कलर करने में। अब तो हमको पता चल गया किसने सबसे ज्यादा टाइम लिया है, वैभव ने सबसे ज्यादा टाइम लिया इस पिक्चर को कलर करने में। ओके ना, चलो फटाक से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, चलो ये भी सॉल्व करते हैं, कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया। तो ये पता करने के लिए वैभव ने कितने ज्यादा टाइम लिए है हमको वैभव के हावर से माइकल का हावर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चलो फटाक से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप कि सब किसी को पता होगा सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। दोनों डिनोमिनेटर का ले लेते हैं एलसीएम, तो जब हम 4 एंड 12 का एलसीएम लेंगे तो अपना निकल के आएगा 12। ओके ना, जब हम लोग जानते हैं हमने पहले भी ले चुका है 12 एंड 4 का एलसीएम, यहाँ पे हम लोग लिए थे तो अपना निकल के आया था 12। ओके ना, तो हमने एलसीएम लिया तो अपना निकल के आया 12। डन, अब करना क्या है, अब देखना है 4 की टेबल में 12 कितने बारी में आता है। तो 4 की टेबल में 12 कितने बारी में आता है, 3 बारी में आता है। ओके ना, तो 3 को कर देना है 3 से मल्टीप्लाई। ओके ना, तो 3 जा हो जाता है अपना 9। देन सब्ट्रैक्ट का सिंबल है, सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगा देना है। देन अब देखना 12 की टेबल में 12 कितने बारी में आता है, तो 12 के टेबल में 12 कितने बारी में आता है, 1 बारी में आता है। ओके ना, देन 1 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना निकल के आ जाएगा 7। 2, देन डिनोमिनेटर अपना कितना था 12, तो 12 रहने देना है। ओके ना, डन, अब हम इसको कट करेंगे कैसे, 2 1 जो होता है अपना 2, देन 2 6 जो होता है 12, तो अपना आंसर हो जाएगा 1/6। ओके ना, तो अपना आंसर हो गया 1/6, चाहे तो आप इसे 6 भी लिख सकते हो। चलो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब जस्ट कर लो, बेल आइकन को ऑल प्रेस करो ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।